मगर जड़ी एक चीज शायद उन्होंने मुश्किल बार आके आ रही है वो एक्सपोजर दी वो एक्सपोजर असी ताई गेन कर सकते हैं जे आप इनकरेज करिए अपने यूथ नू अपने जड़े बच्चों नू फाजिलका तो बाहर निकलन दी ते वापस आऊं बाहर निकलन इस करके कि बाहर देखन दुनिया की हो रहा चंडीगढ़ दिल्ली ईवन मद्रास कैलकटा तक जान देखन एक्सपोजर लैन मगर वापस आके फाजिलका कोई ना कोई क्षमता है वो ये चीज बच्चों नू जरूर मौका दें जो चीजें रिपीट हो गई हैं कैप्टन बेदी ने और संजीव जी ने बोल दी हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं फाजिलका खत्म हो रहा है फाजिलका बुजुर्गों का शहर रह गया है आई टेक इट एज अ चैलेंज कि नहीं यहाँ भी हो सकता है एक इंग्लिश में कहावत है मनी इज वेयर एवर देयर आर इनएफिशिएंसीज पैसा वहाँ नहीं है जहाँ एफिशिएंसीज है पैसा वहाँ है जहाँ इनएफिशिएंसीज है और जिन लोगों ने दुनिया में पैसा कमाया है उन्होंने कमाया है वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब रिसेशन था जब मंदा था एग्री में खेती में कभी रिसेशन नहीं आता खेती में मंदा नहीं आता हेल्थ केयर जो है हेल्थ केयर में मंदा खुशी भरे मौके बेदी साहब ने एक बड़ी वड्डी गल कही है असि राजनीतिक लोग हाँ अज मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता फाजिलका वास्ते पर मैं एक गल जरूर कहांगा बेदी साहब 30 किलोमीटर से होर तरक्की क्यों किया है इसका बहुत वड्डा सवाल है जिसका जवाब साढ़े को ही है साड़ी सत्ता के कसूर ने अज अगर फाजिलका के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है वो इस वास्ते किया जा रहा है अज तो 30 साल पहला इतने MR कॉलेज बनया उस तो बाद अज तक दे हर वो पार्टियां दोषी ने मैं अज इस मंच के राही जरूर कहना चाहवागा कि साडे फाजिलका का जिहड़ा पिछड़ापन है वो सिर्फ ना इत्थे हाई ग्रैजुएट ना होना ये सब तो वड्डी मार है इस वास्ते सानू सारयां नू इह उपराला करना चाहिए कि फाजिलका च सब तो ज़्यादा इत्थे एजुकेशन के साधन हो गरीबी नू बेरोजगारी नू मिटाण वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरत है एजुकेशन की मैं एक मास्टर का बेटा मैं इस चीज़ों बड़ा नज़दीकी महसूस किया है और मैं तुसी सारयां ने इस युवा शक्ति ने इस कुर्सी पर बिठाया है और मैं फाजिलका की सेवा कर रहा और मेरे ये सोच है मैं कोई शब्द तरह बोलत वक्ता तो नहीं हाँ बट मैं ना ही कोई ट्रीट करना चाहिए गल फाजिलका मार जी है एजुकेशन की है अपने बच्चे सब बाहर जा रहे हैं फाजिलका को मौके कोशिश करनी चाहिए है और जो वेलफेयर ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और साड़ियाँ असी इन्होंने नाल हाँ जो साढ़े वालों एफर्ट्स ये कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं जो इन्हों कोई साढ़े लायक कोई साढ़े लायक काम हो रहे हैं असी इन्होंने हमेशा नाल हाँ थैंक यू